हेलो गाइस, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सेबू की टेक। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल आपके लिए होने वाला है। तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने इस कॉलर को कैसे चेक कर सकते हैं कि अभी आया है या नहीं आया। अगर जो नहीं आया तो किस वजह से नहीं आया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, ये भी आपको पता चल जाएगा किस वजह से नहीं आया। अगर जो नहीं आया तो आप उसके लिए क्या करेंगे, अपना इस कॉलर कैसे लाएंगे। इसके लिए हमें एक वेबसाइट पे जाना होगा, जो कि आपको अभी आगे वीडियो में पता ही चल जाएगी, लेकिन वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वाली वीडियो को बिल्कुल स्किप ना कीजिए। आपको ऐसे यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी वीडियो मिल जाएंगी जिसमें बताया जाएगा कि अपना स्कॉलर कैसे देखें और कैसे चेक करें। तो यह वीडियो सबसे हटके और सबसे अलग होने वाली है, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग बहुत घुमा फिरा के बताते हैं। आज मैं आपको डायरेक्ट बताने वाला हूँ आप कैसे अपनी कंप्लेन कर सकते हैं जो स्कॉलर नहीं आया, और अपना स्कॉलर कैसे चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें अपनी वेबसाइट पर चलना होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं मोबाइल की होम स्क्रीन पर, फिर वहाँ से हमें कोई ब्राउज़र खोल लेना, वहीं से आपको सारी जानकारी मिलेगी। तो चलिए चलते हैं अपने मोबाइल की होम स्क्रीन पर। तो गाइज, इसके लिए हमें अब कोई भी एक अपना ब्राउज़र खोल लेना है। आपके पास अगर जो क्रोम है तो क्रोम खोल लेना, वरना आपके अगर जो पास एक कोई और अगर जो ब्राउज़र है तो आपको खोल लेना है। फिलहाल मैं ये अपना टर्बो यूसी टर्बो खोल लेता, ये मेरा एक ब्राउज़र है। आपको यहीं से बताऊंगा कि आप अपना स्कॉलर कैसे चेक कर सकते हैं, किस वजह से नहीं आया, आखिर क्यों नहीं आया, कैसे कंप्लेन करें। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें अपना ये यूसी ब्राउज़र खोल लेना, यूसी टर्बो जो इसको या जो ब्राउज़र है इसे खोल लिया मैंने। फिर आपको यहाँ पे एक सर्च का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको इसमें सर्च करना है। क्या सर्च करना है आपको बताता हूँ। यहाँ आपको ये सर्च करना है यूपी स्कॉलरशिप 2021। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा यूपी स्कॉलरशिप यूपी स्कॉलरशिप, मैं लिख ही देता हूं, ये आपको यहां पे लिख के आ गया यूपी स्कॉलरशिप यूपी नाइस इन 2020 एंड 2021। आपको दिख रहा होगा ये वाला, आपको यही खोल लेना। आपको इस पर क्लिक कर देना इस तरह से, ये अभी खुला आप लोग देख सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे एक सबसे पहले ही जो एक वेबसाइट खुल के आई है, आपको देख आप लोग देख सकते हैं यूपी स्कॉलरशिप गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, आपको इसे खोल लेना है। आपको इस पर क्लिक कर देना इस तरह से, ये अभी खुल रही है, आपको आप लोग देख सकते हैं ये खुल रही है, अभी ये खुल चुकी है। आपको क्या करना होगा, अब आपको इस तरह से ये हटा देना है, एड आ गया। फिर आपको यहाँ पे थ्री डॉट का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, थ्री डॉट, आपको इस पर इस तरह से क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख जाता है स्टेटस, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख जाता है स्टेटस, आपको इस पर इस तरह से क्लिक कर देना है। फिर अगर जो आपने 2019-20 में की है, 2018 या 19 में किया है, जो भी किया 2017-18 में किया या इससे भी नीचे किया, तो आपको इम्पोर्टेंस यहाँ से आपको पता चल गया। हम फिलहाल मैंने किया था एप्लीकेशन स्टेटस 2021 का मुझे चेक करना है, मैंने 2021 और 20 पे क्लिक कर दिया, आप देख सकते खुल गया। फिर आपको यहाँ पे खुल के आगे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ आपको मांग रहा है रजिस्ट्रेशन संख्या, जो आपने जो जहाँ से ऑनलाइन कराते हैं वहाँ आपको एक रजिस्ट्रेशन संख्या दी जाती है, वो फॉर्म दिया जाता है उसी पे रजिस्ट्रेशन संख्या लिखी होती है। आप लोग देख के यहाँ पे डाल सकते हैं, और यहाँ पे आपको डालना होगा अपना, देख सकते हैं आप जन्मतिथि यानी कि डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे डालनी होगी। फिलहाल यहाँ पे अपना मैं रजिस्ट्रेशन नंबर जो होता है उसे मैं डाल देता हूँ, आप लोग देख सकते हैं मैं यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यह मैंने पेस्ट कर दिया। फिर आपको यहाँ मैं यहाँ अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ, मेरी डेट ऑफ बर्थ है जो है मैं डाल रहा हूँ अभी, आप लोग देख सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं, फिर आपको यहाँ पे एक सर्च का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको इस तरह से सर्च कर देना है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ आपको पता चल जाएगा कि आखिर आपका स्कॉलर किस वजह से नहीं आया। आप लोग देख सकते हैं यहाँ ब्लॉकेड बाय डायरेक्टरेटर, यानी कि सब जगह से आप लोग देख सकते हैं यहाँ कहाँ कहाँ से कंप्लीट हो चुका है। यहाँ देख सकते हैं आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट, फाइनल सबमिशन कंप्लीट, स्टेटस इंटरनेशनल लेवल फॉरवर्ड
फॉरवर्ड किया गया, यहाँ अकाउंट वेरीफाई स्टेटस यानी कि बैंक से बैंक भी वेरीफाई कर दिया। फिर आ गया यहाँ पर वेरीफाई बाय डायरेक्टर और ऑफिस यानी कि सीतापुर से आ गया यहाँ वेरीफाई रिमेंबर बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कम्युनिटी। आप लोग देख सकते हैं सीतापुर से हो गया। फिर यह करंट स्टेटस यानी कि अभी करंट स्टेटस यानी कि अभी इस वक्त जो है ये ब्लॉक बाय डायरेक्टर रेट अभी ये ब्लॉक कर दिया गया है। किसी वजह से हो सकता है कि बजट अभी ना बचा हो सरकार के पास, क्योंकि कोरोना चल रहा, आप लोग समझ नहीं सकते कोरोना में हमारी सरकार को कितना नुकसान हुआ है। तो आप लोग यहाँ से इसी तरह चेक कर सकते हैं किसी भी चीज़ का स्कॉलरशिप। अगर जो आपको प्रिंट करना है, इससे निकालना है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं प्रिंट का आपको ऑप्शन भी मिल जाता है। यहाँ आपको इस आइकन ये इसको इस तरह से क्लिक कर देना और ये प्रिंट आपकी निकल जाएगी। फिलहाल मैं अब चलता हूँ बैंक और आम में बताऊँगा ये आप शिकायत कैसे कर सकते हैं। आखिर अगर जो आपकी शिकायत नहीं, आपका स्कॉलर नहीं आया, फिर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख जाएगा कंटेंट यूज़, आपको इस पर इस तरह से क्लिक करना। ये अभी खुल रहा है, आप लोग देख सकते हैं यह भी खुल रहा है, आप यहां से कंप्लेन कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश श्री पी के त्रिपाठी संयुक्त निर्देश पूर्व उर्वश एवं दशामोत्तरम छात्रवृत्ति व प्रवेश एवं प्रदेश के अंदर केवल अनुसूचित जाति एससी एवं सामान्य वर्ग जनरल हेतु प्राप्त 10 बजे से 12 बजे तक अवकाश दिनों के छोड़कर इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। श्री सिद्धांत मिश्रा त्रिपाठी, यहाँ आपको एससी के अगर जो आप एससी आपका वर्ग लगता है तो एससी पे लगा सकते हैं। पिछला वर्ग उत्तर वर्ग यानी कि ओबीसी के लिए आपको ये नंबर टोल फ्री नंबर मिला है 1800-1881-31। आप इस नंबर पे कंप्लेन कर सकते हैं। आपको यहाँ अगर जो आपको जो भी आप जनरल में आते हैं, जो भी आप आते हैं उसमें आप कोई अलग अलग नंबर मिलेगा, आप उस नंबर पे कर सकते हैं। राघवेंद्र प्रताप सिंह जो संयुक्त निदेशक, आपको यहाँ बहुत सारे कंप्लेन नंबर मिल जाएंगे। आपको अगर जो कंप्लेन करनी है आप कंप्लेन भी कर सकते हैं। जैसे कि अब फिर हम यहाँ पे आ जाते हैं, हमने बैंक होम पे चलते हैं। फिर आपको यहाँ पे और भी कई सारी अगर जो हेल्प लेनी है तो आप यहाँ पे हेल्प भी ले सकते हैं। यूट्यूब पे इस तरह की आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी, लेकिन इस तरह से इतनी आसानी से किसी ने आपको नहीं समझाया होगा। यहाँ आप रिपोर्ट भी कर सकते हैं, बहुत सारे आपको यहाँ स्टूडेंट बहुत सारे आपको ऑप्शन यहाँ मिल जाते हैं। तो आपका जो मन हो वह यहाँ से आप कर सकते हैं, मन हो आपका कंप्लेन भी कर सकते हैं। तो प्लीज़ गाइज, अगर जो आपको वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक और एक कमेंट और अपने दोस्तों के साथ कर दो शेयर, ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो आगे से आगे फैल सके। अगर जो अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में दबाइए बेल आइकन को, ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक पे, तब तक बाय बाय। अगर जो आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर जो अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ मेरा इंस्टाग्राम नेम है swep0786, आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक पे, तब तक बाय बाय।